हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज फिर मैं आपके लिए एक और ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बड़े शौक से बनाएंगे। बनाना खाना ये बहुत पसंद आता है सबको, ये वाली रेसिपी। और इसको बनाना इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं आज आपको बनाना, और बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम मेहनत में फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी। इतनी आसानी से और इतनी टेस्टी होती है ना फ्रेंड्स। इसे बनाने के मैंने दो तरीके बताए हैं, उन दोनों तरीक़ों से आप इसे बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिकूट वैष्णवी किचन। आज की जो रेसिपी है वो आप देखते ही पहचान गए होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पानी पताशी, और वो भी कुछ अलग तरीके से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी आटा, एक कटोरी सूजी और आधी कटोरी मैंने इसमें मैदा डाला है। यानी कि आप इसकी क्वांटिटी करीब करीब सेम रखें। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे तो नमक नहीं होता है, लेकिन हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दीजिए, और बेकिंग पाउडर सबको मिक्स करने के बाद में आप इसको अच्छे से एक अच्छा सा डो लगा लीजिए। एक छोटा चम्मच ऑयल का इसमें डाल दीजिए, ताकि आपकी ये काफ़ी क्रिस्पी और ऐसे बहुत ही शानदार सी पतासी बन करके रेडी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं उन सभी को एक साथ मिक्स करना है। अच्छे से ये मिक्स हो जाने चाहिए आटे के अंदर, जो हमने आटा लिया है जिस तरीके का, उसमें मिक्स करने के बाद में आप इसे चाहे तो हाथों से, दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मिक्स करने से क्या होगा कि इसके अंदर एक एक जो वो था ना, मिक्स हो जाएगा, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएगी, ऑयल भी मिक्स हो जाएगा, पाउडर, नमक सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसे मिक्स कर सकते हैं, और मिक्स करने के बाद में, और इस तरह से उसे मिक्स करने के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और इसका सख्त सा डो लगाना है। सख्त सा डो इसलिए, तो जितना सख्त आप डो लगाएंगे ना, उतनी ही अच्छी और फूली फूली आपकी पताशियाँ बनेगी, पानी पूरी बनेगी। तो इसको बनाने के लिए बस आपको इतनी ही ध्यान रखना है कि इसका डो जो लगाना है बहुत सख्त लगाना है, और जो जो तीन तीन आटे मैंने इसमें लिए हैं वो आटे की क्वांटिटी आपको उसी अकॉर्डिंग लेनी है जैसे मैंने ली है। उसके बाद में बस आपको क्या करना है, इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका आलू का मसाला बना लेंगे, और जो पानी की पताशी का पानी है वो बना लेंगे। ठीक है, तो हम पहले, मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है, आलू बॉयल करने के लिए रख दिया। आलू बॉयल हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं थोड़े। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वो ठंडे होते हैं जब तक हम इसकी पताशी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे को लिया है, और आटे को लेकर के मैंने इस तरह से उसको रोल कर लिया। और अब ध्यान रखिए, अभी आपको ये पता नहीं है कि एक बार में हमें कितना लोया तोड़ना है। तो अभी मैंने जो तोड़ा है ना, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो मैं दिखा देती हूँ। इसके भी आपको 2 पीस करने हैं, तो एक को मैं आपको बेल करके दिखा देती हूँ, एक दो को आपको लगेगा कि बड़ा है तो आप इसकी थोड़ा सा छोटा कर ले, और छोटा करने के बाद में आप फिर इसको बेलें। तो 1-2 पीस को आप बेल करके देख लीजिए, बेल कर देखने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पतासी की जो वो होती है ना शेप, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, गोल अंडाकार जैसे भी होती है, तो इतनी ही हमें बनानी है। ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं इसको 1-2 को बना के दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है ना ये, इतनी बड़ी नहीं बनानी है हमें, छोटी बनानी है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना, तो कोई छोटी कोई बड़ी कुछ इस शेप में ज़रूर बन सकती है। तो इसीलिए मैंने इसका एक दूसरा तरीका और बताया है, जिसमें हम बिल्कुल सेम साइज की बनाएंगे। तो अभी तो मुझे तो अंदाज हो गया है कि कितनी बड़ी कितनी छोटी करनी है, तो मैं तो उसको कर सकती हूँ उस तरीके से। लेकिन आपको करने के लिए आपको एकदम सिंपल तरीका बताती हूँ। पहले चपाती बेल लीजिए बड़ी सारी, और बड़ी चपाती बेलने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी एक ढक्कन लेना है बॉटल का, तो उस ढक्कन से हम इसको इस तरह से शेप कट करेंगे। सारी बराबर आएगी, सेम आएगी, एक भी छोटी बड़ी नहीं साइज़ होगी इसकी, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक बॉटल का ढक्कन ले लिया है, और उसको इस तरह से शेप देती जा रही हूँ मैं। इस तरह से कट कर दीजिए सभी को, और एक बार में जितने पीसेस निकल सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से बन गए हैं। आपको ज़्यादा बेलना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इस तरह से करना है। अब जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है ना, आप उसको हटा करके निकाल दीजिए। तो इस तरह से देखिए मैंने कर दिया, वो एक्स्ट्रा जो आटा है ना उसको हम निकाल देंगे। और एक्स्ट्रा आटा निकालने के बाद में ये हम,
दोबारा भी काम में ले सकते हैं। तो जो बचा हुआ आटा है ना, इसको हम दोबारा काम में ले लेंगे और इनको हम निकाल लेते हैं ऑयल के अंदर, यानी कि हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल में डालते डालते ही आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूली फूली सी हमारी पानी पताशी बन करके रेडी हो गई है। अब आप इसे अच्छे से थोड़ा सा कलर ब्राउन होने तक, यानी गोल्डन कलर होने तक आप इसको थोड़ा सा फ्राई करिए ऑयल में, और इस तरह से करेंगे ना तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी। ध्यान रखिए ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये पताशा जल जाएगी और उससे क्या होगा, क्रिस्पी भी नहीं होगी। और अगर हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ना तो काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगी और बहुत अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सारी ही पताशियों को निकाल लेते हैं ऑयल के अंदर से। बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कैसी फूली फूली हमारी पानी पताशी बन करके रेडी हो गई है। तो ये तो आटे की हमारी जो पानी पताशी थी ना, वो है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी गोल गोल शेप में। और ये मैंने हाथ से बनाई है, ढक्कन वाली नहीं है, ढक्कन वाली आप फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है, एक ही बार में किस तरह से खुल चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम सारी पानी पताशी बना करके रेडी कर लेंगे। बारी आती है अब आलू का मसाला बनाने की और पानी बनाने की। तो ये चटपटा पानी तो बनाना बहुत ही आसान है, आप भी कभी भी बना सकते हैं। तो पानी पताशी बनाना भी बहुत आसान हो गया ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए, पानी बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है फूड कलर लिया है, थोड़ा सा गर्म मसाला है, मैगी मसाला है, जलजीरा पाउडर है, चाट मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है। और ये मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, इन आलूओं को हम अच्छे से छील लेंगे, छीलने के बाद में हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैं इनको अच्छे से छील लेती हूँ, बॉईल करे हुए आलू हैं। अब मैंने इन आलूओं को माइक्रोवेव किया है, आप चाहें तो इन्हें उबाल भी सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये मैश हो रहे हैं, बिल्कुल सूखे सूखे से हैं क्योंकि मैंने इनको माइक्रोवेव में किया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इनको मसाले के अंदर, जो हमने मसाला दिखाया था ना अभी आपको, वो आलू के मसाले के अंदर डाल रही हूँ मैं, सिर्फ कलर को छोड़ करके थोड़ा सा कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, फूड कलर है, आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। तो ये देखिए, मैंने फूड कलर को छोड़ करके सारे मसाले इसमें, आलू के मसाले में डाल दिए, आलू के अंदर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में ये फ्रेंड्स मैं वो बता रही हूँ जो आपके घर के अंदर रखे हुए सामान हैं और झटपट बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा, इससे भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ। अब एक दो पताशी होती है ना जो बहुत ही कड़क होती है या फूट जाती है, तो आप उन पताशियों को इसमें मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ, उससे क्या होगा, इसके अंदर पताशी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये आलू का मसाला भी बन करके रेडी हो गया है। अब बारी आती है पानी की, जो बहुत ही चटपटा और टेस्टी होगा, तभी मज़ा आएगा पानी पताशी खाने में, क्यों है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जलजीरा पाउडर लिया है और इसके पैकेट लिए हैं मैंने एक आध, और उन पैकेटों को हम इसमें खोल करके डाल देंगे। आपको भी कुछ इसी तरह से करना है, अगर आपको पानी पताशी का पानी घर पे बनाना है तो इस जलजीरे पाउडर का यूज़ करिए। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 पैकेट डाल देती हूँ, और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी ये मसाले वाली बूंदी है वो डाल दिए है, पानी डाल दिया है, और इसके अंदर नमक डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये फूड कलर, इन सभी को डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे काला नमक, सादा नमक और सेना नमक, और ये जो पताशी है उस पताशी को भी क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा तीखा मैंने नहीं किया है। हमारी ये पानी पताशी बन करके रेडी हो चुकी है, आलू का मसाला भी तैयार है, पानी भी तैयार है, और पताशियाँ भी हमारी बन करके रेडी है। बारी आती है अब इनको खाने की, तो फ्रेंड्स चलते हैं इसे खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर पताशियों के अंदर आलू का मसाला डाल दिया है, और ये पानी की कटोरी हमने फिल कर लिया, भर लिया है। अब बारी आती है ये किसके मुँह में जाने वाली है, तो सबसे पहले ये मेरे ही मुँह में जाने वाली है फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है पानी पताशी, अधिकतर मैं घर पे ही बनाती हूँ सबके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी खाना है तो आप इसे ट्राई करिए और मेरे पास ज़रूर आइए।